Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Aaj 4 April 2020 aur Saturday hai. Aaj exercise 2.8 hai, lekin usko start karne se pehle jo usme figures involve honi hai unke bare mein main aapko batata chala jata hu. Sabse pehle hai isme jo involve hogi figure zyada tar wo square hai. Square ek aisi closed shape ko kaha jata hai जिसमें तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. एक तो इसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है, और फोर की फोर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. ऐसी शेप जिसकी तमाम साइड्स इक्वल भी हो और उनके अंदर 90 का एंगल भी बनता हो, और उसे हम जो है स्क्वायर कहते हैं. इसके अंदर की ये जो जगह होती है इसे हम एरिया बोलते हैं. अब एरिया निकालने का फार्मूला जो होता है स्क्वायर का, वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर. अब इसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर के स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो फोर मल्टीप्लाई साइड होता है. यानी टोटल चारों साइड्स की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं, और उसको निकालने का तरीका है, यानी अगर एक साइड की लेंथ आपको पता हो तो आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों साइड्स की लेंथ आ जाएगी, तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. इसी तरह सेकंड इसमें जो इन्वॉल्व हो रही है वो है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आपस में अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं. इसमें भी चारों एंगल्स जो हैं वो 90 के बनते हैं. अब इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और पेरीमीटर निकालने का इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. और थर्ड जो है ये भी एक क्वेश्चन सर्कल से मुतल्लिक भी है, या दो क्वेश्चन है इसमें जो सर्कल से रिलेटेड हैं, तो इसलिए सर्कल का जो है ये राउंड शेप जो आपको नजर आ रही है ये सर्कल है, और उसके अंदर की ये वाली जो स्पेस है ये वाला एरिया कहलाता है. सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, और उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है. अब इसके अंदर का जो एरिया होता है इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो बाउंड्री लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है. बाकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनकी बाउंड्री लेंथ जो होती है वो पेरीमीटर कहलाती है, और सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. और उसको निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं, एक रेडियस के साथ 2πr, और दूसरा जो है अगर डायमीटर दिया गया हो तो फिर πd. डायमीटर का मतलब होता है रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, यानी बाउंड्री के एक तरफ से लेके दूसरे तरफ तक का जो टोटल डिस्टेंस बनता है और वो सेंटर से पास भी होता हो उसे हम जो है डायमीटर कहते हैं. तो ये वो फॉर्मूले हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. आइए तो अब हम जो है एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करते हैं, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. अब हमें जो है एक स्क्वायर शेप है उसका एरिया उसने बता दिया है कि 14,400 स्क्वायर मीटर है. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है हमें दिया गया है वो 14,400 स्क्वायर मीटर है, और अब हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू एरिया होता है, या साइड मल्टीप्लाई साइड भी कह सकते हैं इसको. तो आप देखें दोनों लेंथ और लेंथ आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर बन जाते हैं. तो इधर से एरिया की वैल्यू हमें दी गई है 14,400 स्क्वायर मीटर. एरिया का यूनिट जो है हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लाजमी लिखना है आपने. अब दो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हमने जो है स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट सॉरी हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है. तो यहां पे भी हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट. यहां पे हमें जो है वो रूट भी लफ्ज लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट हमने लिया है, यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो है इस नंबर का हम स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो है इसका स्क्वायर रूट लिया है 14,400 नंबर का. स्क्वायर रूट के हम पीछे 5 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है. सबसे पहले राइट साइड से इसके पेयर्स बनाए जाते हैं,
और आपने सबसे एंड में जो यहाँ पे नंबर बचे एक या दो नंबर उसी को डिवाइड करना शुरू करना होता है। तो ये वन वन सा वन हमारे पास है, वन में से वन माइनस किया जीरो आया, वन को डबल किया टू बन गया। अब फिर टू को हमने वन से किया तो 21 आना था, तो ये छोटा था, फिर टू से किया 44, और नेक्स्ट जो है पेयर पूरा नीचे उतारना होता है, तो ये टू से करने से 44 पूरा आ चुका है। और लास्ट में अगर यहाँ पे जीरोस बचे तो जितने भी जीरोस हों उन पेयर में से सिर्फ एक जीरो ऊपर शिफ्ट करना होता है, यानी अगर एक पेयर है, अगर दो पेयर हो तो दो जीरो यहाँ पे जाएंगे, तो जितने पेयर्स होंगे यहाँ पे लास्ट में उतने एक एक जीरो जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया लेंथ का 120 मीटर, सो द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फिगर इज 120 मीटर है। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर टू और थ्री जो है वो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर वन है, वैसे ही आपने कर लेने हैं, उनका भी स्क्वायर रूट ही जस्ट फाइंड आउट करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फोर है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब उसने हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दी है और उसमें भी हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि एक तो उसने बता दिया है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से थ्री टाइम्स ज्यादा है, और उसका जो एरिया है वो 10,092 स्क्वायर मीटर यानी 10,092 स्क्वायर मीटर दिया गया है। अब हमें जो है ना इसकी लेंथ का एग्जैक्ट पता है, ना ही इसकी ब्रेथ का पता है, और अब हमने इसके पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, इसकी यानी कि टोटल बाउंड्री लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब तक हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं आएंगी तब तक हम जो है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हमने इसको लेट कर लिया, जो जो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ, हमने दोनों को लेट कर लिया। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स मीटर, और लेंथ जो है ऑफ द रेक्टेंगल इसको उसने कहा था कि थ्री टाइम्स ज्यादा है ब्रेथ से, इसलिए ये वन टाइम है तो ये इसको थ्री टाइम्स कर लिया हमने। अब इसका फॉर्मूला एरिया का लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। लेंथ हमारे पास 3x थी और ब्रेथ हमारे पास 1x थी, और एरिया का उसने जो नंबर दिया था नंबर में वो हमने यहाँ पर उसको पुट कर दिया। अब इन दोनों में आपको पता है जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाते हैं। तो अब जो है हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 पावर 1 पर जो है वो यहाँ पे स्क्वायर बन गया, 3x square is equal to 10,092 square meter. अब हमने देख हमेशा हमें पता है कि नंबर और वेरिएबल के दरमियान अगर कोई जो है यहाँ पे साइन ना हो तो उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इस नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में जाएगा, तो यहां से इसको हमने डिवाइड फॉर्म में लेंगे। अब इसको हम जो है डिवाइड करके देखते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जैसे ही हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 3,364 स्क्वायर मीटर। तो अब जो है हमने यहाँ पे x का स्क्वायर खत्म करना है, तब ही जाके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हमने हम इस साइड पे जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट मैंने पहले भी बताया है कि हम काफी एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं, तो अब आपने अलग से स्क्वायर रूट इसका निकाल के यहाँ पे लिख लेना है, खुद से निकालना है, निकालना भी जरूर है और यहाँ पे राइट करना है। और उसके बाद जो इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाल लिया उसका आंसर है 58 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास जो ब्रेथ आ चुकी है वो है 58 मीटर। तो अब इसके बाद ब्रेथ जो है हमारे पास 58 मीटर है, तो लेंथ जो है चूंकि ब्रेथ का 3 टाइम्स था तो लेंथ निकालने के लिए हम ब्रेथ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 174 मीटर। अब लेंथ भी आ चुकी है हमारे पास और ब्रेथ भी आ चुकी है, अब इनका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। अब हमने जो है लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 174 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू प्लस में जो है पुट की है 58 मीटर। दोनों को पहले प्लस करना है, हमने प्लस किया है 232 मीटर बना। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 464 मीटर। इस तरह से हमने जो है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो अब इसमें जो हमारे पास
जो एरिया दिया गया है वो एक सर्कुलर रीजन है, उसका जो एरिया दिया गया है और हमें कहा गया है कि उसका जो है वो रेडियस फाइंड करें। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है वो 616 स्क्वायर मीटर। तो पाई जो है, पाई आर स्क्वायर, मैंने पहले ही इस सबक को स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला बता दिया था कि सर्कुलर रीजन जो है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा एरिया का, उस साइड पे एरिया का जो उन्होंने नंबर में हमें दिया था वो नंबर लिखा। अब पाई की वैल्यू नियर अबाउट 22/7 होती है, तो ये हम जो है क्वेश्चन में भी दी गई है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हमने यहाँ से आर यानी रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस नंबर को 22/7 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, जब ये उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल में जाएगा, ये 7/22 हो जाएगा। तो 7/22 मल्टीप्लाई 616 स्क्वायर मीटर। अब जो है हमारे पास रेडियस जो है वो स्क्वायर में है, तो अब इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें दोनों साइड्स पे ही स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट जो है वो 14 मीटर आ चुका है। आपने 196 का स्क्वायर रूट साइड्स पे निकालना भी है और यहाँ शो भी करना है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन जो हमारे पास आया 14 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मंडे के लिए आपकी जो डायरी होगी वो यूनिट नंबर 1 का टेस्ट है, और ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप ऐप में भी जो है वो बता दूंगा कि मंडे को यूनिट 1 का टेस्ट है, और टेस्ट जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में।